चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अब नहीं बिकेंगी सरकारी कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन से पीछे हटी मोदी सरकार। दरअसल सरकार अब सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों व उद्योगपतियों के हाथों में बेचने के बजाय उनकी मुनाफा सुधारने और उससे राजस्व कमाने पर जोर देगी। भारत अगले दशक में 2048 तक नहीं बल्कि 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इंडियन इकोनॉमी को लेकर RBI ने किया बड़ा दावा, भारत की तरक्की देख दुनिया हैरान। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मुंबई दौरे पर पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 29,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास, इनमें रेलवे हाईवे और पोर्ट के प्रोजेक्ट शामिल। 200 में बर्थ सर्टिफिकेट और 400 में आधार कार्ड, यूपी में बन रहे फर्जी दस्तावेज, नेपाल बॉर्डर से घुसपैठिए का खतरा। अनंत राधिका की शादी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, वहीं किंग खान ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका, आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली CM की सेहत पर जताई चिंता, कहा उनका वजन 8.5 किलो गिरा है, ये गंभीर बीमारी का संकेत। बिहार कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडे को मिली मंजूरी, नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी की बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2024 से होगा लागू। अगले 12 से 15 महीनों में 1.25 लाख पहुंच सकती है चांदी, अभी 1 किलो चांदी 91,827 की, वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,664। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए सामने, कांग्रेस 4, TMC 4, भाजपा 2 सीटों पर जीती और आप DMK और निर्दलीय ने 1-1 सीट पर मारी बाजी। इंडिया गठबंधन का चला जादू, NDA को लगा तगड़ा झटका। 1 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान और युवाओं को 25,000 महीने की नौकरी, विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सैनी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और IT सक्षम युवा योजना 2024 का किया ऐलान। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिलों में बाढ़ जैसे हालात, लखनऊ दिल्ली हाईवे 60 घंटे से पानी में डूबा, वहीं यूपी MP उत्तराखंड और हिमाचल समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अलग से क्लिनिक शुरू करने का किया फैसला, NMC ने जारी किया आदेश, कहा ये क्लिनिक नशा मुक्ति केंद्र की तरह होगा संचालित। UN का चौंकाने वाला दावा, 2060 के दशक तक करीब 1.7 अरब हो जाएगी भारत की जनसंख्या। विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये जीत दर्शाती है कि जनता ने भाजपा के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को अब सिरे से नकार दिया है, ये मोदी शाह जी के गिरते राजनीतिक शाह का भी प्रबल प्रमाण। यूपी के संभल में स्कूलों में सिखाए जाएंगे संस्कार, टीचर नहीं पहन सकेंगे जींस टी शर्ट, इतना ही नहीं क्लासरूम में जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकेंगे और मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अंबानी परिवार की नई बहू राधिका का इंटीलिया में हुआ ग्रैंड वेलकम, गुलाब के फूलों की बारिश के बीच जेठानी श्लोका ने गले लगाकर किया स्वागत। जम्मू के कठुए में हुए आतंकी हमलों के 5वें दिन भी जारी सेना का तलाशी अभियान, उधमपुर और डोडा की सीमाओं पर जवानों का कड़ा पहरा। बच्चों के दिमाग से खेल रहे वीडियो गेम्स बिगड़ रही मेंटल कंडीशन, तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन व अकेलापन जैसी आ रही है प्रॉब्लम। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार, शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर माथापच्ची जारी। अनंत राधिका की शादी, दुल्हन की सोने के लहंगे में विदाई, बारात में थिरकी मां नीता अंबानी, शाहरुख खान ने साथ किया डांस। बजट से पहले आई गुड न्यूज, टैक्स कलेक्शन से भरे सरकार के खजाने, डायरेक्ट टैक्स से 24% बढ़ी सरकार की कमाई। 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव में NDA को लगा बड़ा झटका, आप सांसद संजय सिंह बोले BJP को समझना चाहिए कि जनता कोरे वादे और झूठ से परेशान, आज देश में नौजवान परेशान है, अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करने की जरूरत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज, पीठ दर्द के कारण 2 दिन पहले हुए थे भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से की मुलाकात, इस दौरान उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। यूपी के सरकारी स्कूलों में बदल गए नियम, शिक्षकों का वेतन काटने तक की आई नौबत, हर महीने DIUS के पास जाएगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली LG VK सक्सेना खुद को कोर्ट समझते हैं, राजधानी में पेड़ों की कटाई पर कहा हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। असम में बाढ़ से हालात गंभीर, 12 लाख से ज्यादा लोग फंसे, मौसम विभाग ने फिर कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी।
सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाई। संविधान हत्या दिवस को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, साथ ही कहा एनडीए सरकार अस्थिर, कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। पहले चीन और अमेरिका को एनएसए अजीत डोभाल की दो टूक यूएस राजदूत एरी सिटर की धमकी के बीच फोन कर सुनाई खरी खरी, कहा भारत के बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। प्रभास स्टारर फिल्म कल की 2898 एरी ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड, पठान के बाद अब एनिमल को दी मात। बॉक्स ऑफिस पर कल की का कुल कलेक्शन अब 890 करोड़ रुपये हो गया। पूरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने पर फैसला आज, आखिरी बार 46 साल पहले खोली गई थी, ट्रेजरी भाजपा के चुनावी वादे में शामिल था। हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य, सीएम नायब सैनी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला बड़ा हमला, कहा प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले बदमाशों को खदेड़ा जाएगा। एक साल बाद जेल से रिहा होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, कोर्ट ने फर्जी निकाह केस में बरी किया, 3 केस में सजा हुई, 2 में पहले से बरी। टीसी में हिंदू बच्चों को ईसाई बताया, पेरेंट्स पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, नहीं माने तो पहचान बदल दी। सीजीआई बोली माँ के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती, कहा जज वकील अंग्रेजी समझते हैं लेकिन किसान नहीं, इसलिए बदलाव जरूरी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती, भाजपा को 5, शिवसेना सिंधे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2-2 सीटों पर मिली जीत। वहीं इंडिया गठबंधन के 2 कैंडिडेट जीते, कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। अनंत राधिका की शादी में अखिलेश डिंपल के साथ पहुंचे रवि किशन और जैकी श्रॉफ ने खाया बनारसी पान, स्मृति ईरानी ने भी की शिरकत। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की पहली पूर्वोत्तर यात्रा, इस दौरान उन्होंने मणिपुर और चीन सीमा पर हालात का किया जायजा। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने तोड़ा था लाहौर समझौता, पाक के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर कबूला, कहा गलती हमारी थी। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के नाम से बने पैरोटी अकाउंट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि पर किया गया फेक पोस्ट, FIR दर्ज, मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली से सटे नोएडा में घर बनाना हुआ महंगा, आवासीय से लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी तक भूखंडों के बढ़ गए दाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले समूह को दिया भारी चंदा, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लग सकेंगे लिफ्ट और एस्केलेटर, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड में भाजपा का विजय रथ रुका, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब किया बरकरार, बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों सीट जीती। उपचुनाव में पंजाब के विधानसभा सीट जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी की जीत, मोहिंद्र भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त से हासिल की विजय। मध्य प्रदेश के आमरो वार्ड में 16 साल बाद जीती भाजपा, 17वें राउंड तक आ गई थी कांग्रेस, आखिरी के 3 राउंड में पलटी बाजी, कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के एप्पल फोन में आए स्पाइसवेयर का मैसेज, बोली सरकार अपराधी को असंवैधानिक तरीके से कर रही है काम, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू मोदी जी। हिमाचल के देहरा उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीती, बीजेपी की होशियारी नहीं आई काम, जनता ने सिखाया सबक। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर कांग्रेस की जीत, कांटे की टक्कर में काजी के निजामुद्दीन से हारे बीजेपी प्रत्याशी। वहीं हिमाचल के हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी को दी शिकस्त। यूपी में पार्टी की हालत खराब, भाजपा विधायक रमेश मिश्रा के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले बीजेपी के पास पीडीए का जवाब नहीं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, दिल्ली में केस दर्ज। बनारस रेलवे स्टेशन के 12 मीटर चौड़े FOB पर खुलेगी दुकानें, विदेशों की तर्ज पर मिलेंगी सुविधाएं, बनारसी खान पान का जायजा भी चखेंगे यात्री। अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो भी लगाते इमरजेंसी, RSS ने भी किया था समर्थन। संविधान हत्या दिवस पर बोले शिवसेना UVD नेता संजय राउत, साथ ही कहा अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं है। अनंत राधिका ने शादी के बाद एक दूसरे से किया खास वादा, 7 फेरों के दौरान अग्नि को साक्षी मान, बोले हम घर को एक साथ अपने सपनों का घर बनाएंगे, हमारा घर सिर्फ एक जगह नहीं होगा बल्कि ये प्यार की भावना होगी चाहे हम कहीं भी हों। महाराष्ट्र के पुणे के ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के पेरेंट्स समेत 7 पर FIR दर्ज, मां पिस्तौल लेकर किसानों को धमका रही थी, वीडियो हुआ वायरल। योगी सरकार ने UP पुलिस में किया बड़ा फेरबदल, 10 IPS का ट्रांसफर और 6 जिलों के SP भी बदले। नीट मामले पर CBI ने देरी से दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कोर्ट में चर्चा करें, जस्टिस पारदी वाले बोले हमने जवाब देख लिया।
सात राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, भाजपा को 2 का नुकसान, कांग्रेस को 2 का फायदा, टीएमसी ने भाजपा की 3 सीटें जीती। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया अल जजीरा ने लिखा, हद से ज्यादा पैसा खर्च किया, NYT ने भारत में असमानता का मुद्दा उठाया। 23 राज्य में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ में घिरे यूपी के 800 गांव, बिहार में वज्रपात का कहर, वहीं असम में अभी भी 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। AIA एयरपोर्ट सर्विसेज में 1049 पदों पर और पंजाब नेशनल बैंक में 2700 पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट, वहीं BSF पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख 25 जुलाई तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस को फ्री एंड हाई कमांड ने अपने स्तर पर फैसला लेने का दिया अधिकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल की बढ़ाई ताकत, दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, हर चीज के लिए मांगनी पड़ेगी भीख। जी हां, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ताकत बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में संशोधन किया। इसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा। इस संबोधन से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी, उनके काम करने का दायरा भी बढ़ जाएगा। अब उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां दी गई है। लगभग सभी क्षेत्रों में उन्हें वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जिसमें वित्त विभाग की पूर्व समिति की आवश्यकता होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी, इसमें LG को अधिक शक्ति प्रदान करने वाले नियम जोड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद पुलिस पब्लिक कैडर ऑल इंडिया सर्विस एंटी करप्शन ब्यूरो से रिलेटेड प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति के बिना फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा। अधिसूचना में कहा गया कि कानून के तहत उपराज्यपाल के विवेक का इस्तेमाल करने के लिए AIS और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित किसी प्रस्ताव को वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि प्रस्ताव को मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा गया है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने पर उन्होंने कहा कि अब छोटी से छोटी नियुक्ति के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर को रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर CM के हकदार हैं। उपचुनाव में विपक्ष को बूस्टर डोज, इंडिया गठबंधन की हुई बल्ले बल्ले, बंगाल में चला दीदी का मैजिक। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस TMC को 4-4, भाजपा को 2, आम आदमी पार्टी DMK निर्दलीय का एक सीट जीती। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव में NDA की सरकार लगातार तीसरी बार बनी, लेकिन इस बार मोदी सरकार का चर्म खत्म होता दिखा। भले ही सरकार तो बन गई लेकिन विपक्ष मजबूत होकर उभरा। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव जीते जिसके NDA सरकार के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, उसमें पूरी तरह से फेल हो चुका। दरअसल मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए। इन सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, TMC ने 4, भाजपा के 2 और आप DMK निर्दलीय एक सीटें जीती। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में BJP को बड़ा झटका लगा है। BJP के नेतृत्व वाले NDA को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की उनमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, बगदा, राणाघाट, दक्षिण और मणिकताला और शामिल है। इन 4 सीटों पर TMC ने जीत हासिल की। हिमाचल की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यहां कांग्रेस को 2 सीटों पर जबकि भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। हिमाचल में कांग्रेस देहरा और नलाग विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही। पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर चुनाव हुआ। यहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंद्र भगत 37,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। दक्षिण भारत तमिलनाडु के विक्रवर्णी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी DMK 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में BJP उपचुनाव हार गई। मंगलौर से कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 422 सीटों से वोटों से जीत हासिल हुई। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस 5,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में सफल रही। इसके अलावा बिहार में JDU और RJD दोनों को बड़ा झटका लगा है। बिहार की रूपारेली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह करीब 8,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाई। संविधान हत्या दिवस को लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, साथ ही कहा NDA सरकार अस्थिर, कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व वाली NDA सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार स्थिर नहीं है। जब उनसे ऐसा कहने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि खेला शुरू हो गया, ये जारी रहे। ममता ने ये बात मुंबई में उद्धव ठाकरे के उनके आवास मातोश्री में मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव में वे ठाकरे के लिए
प्रचार करेंगे। शिवसेना और तमिल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में साझेदार है। इस दौरान ममता ने यह भी कहा कि सिंधे गुट द्वारा ठाकरे गुट में शिवसेना नाम और प्रतीक लेना पूरी तरह से अनैतिक था, लेकिन पार्टी ने बाप की तरह लड़ाई लड़ी। हालांकि ठाकरे ने ममता के साथ बैठक को राजनीति के बजाय पारिवारिक मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कृपया इससे राजनीति से न जुड़े। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी में शामिल होने पहुंची ममता ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात की। वहीं इस दौरान ममता बनर्जी 25 जून को आपातकाल की घोषणा के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की केंद्र की घोषणा पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा हम आपातकाल का समर्थन नहीं करते, लेकिन सुधार अपने घर से शुरू होता है। ममता ने कहा मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया जा रहा है, वे आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लाए हैं। वही मामले पर शिवसेना यूपीडी के नेता संजय राउत ने कहा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, 50 साल हो गए, लोग आपातकाल को भूल चुके। इस देश में आपातकाल क्यों लगाया गया, कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लगा देते, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, ये बात सभी को मालूम है। रावत ने कहा कि अमित शाह को आपातकाल क्या पता नहीं है, जिस बाला साहब के आज वो गुणगान कर रहे हैं। नकली शिवसेना के साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे और आरएसएस ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था।